माशाल्लाह आप बहुत अच्छे दिखते हो. थैंक यू सो मच. नाइस. आपका लुक वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो शो में आप जो थोड़ा खड़ूसपना कर रहे हो लोगों को वो भी अच्छा लग रहा है. सो इस सीन के बारे में आपको क्या कहना है? वेल इस सीन में रघु जो है आयशा के पास आता है, जो एक्चुअली आरती है, उसे नहीं पता. एंड उसके अंदर एंग्स है बहुत, बिकॉज उसे लगा था कि शायद आयशा सुधर गई है, बट वो आयशा का ऐसा रूप देखता है तो उसे लगता है कि वो नहीं सुधरी है. एंड वो उसके पास आता है. उसका एक पास्ट है रघु का, बहुत ही गहरा और डार्क पास्ट है, जो उसके भाई के साथ कुछ हुआ था, और इसीलिए वो पूरी फिल्म वालों को, हीरोइंस को रिस्पॉन्सिबल समझता है. एंड क्योंकि आयशा भी उसको छोड़ नहीं रही है, तो उसे लगता है कि ठीक है तो ये नहीं छोड़ना ना, मैं ऐसी सिचुएशन कर दूंगा कि तू अपने आप ही हार मान लेगी. तो अब वो ऐसी कुछ एक्सट्रीम पे जा रहा है जहाँ पर आयशा हार माने. सो अब यहाँ पे एक गाना भी चल रहा था, जब तक है जा जाने जा, कुछ दिन पहले मतलब कि परसों ही धर्म जी का बर्थडे था. सो अगर उनकी आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? धर्म जी के बारे में, अरे यार ही इज फिनोमिनल यार, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स एंड ही इज सुपर्ब. यू कांट बीट दोस गाइस, दे आर जस्ट ऑसम फ्रॉम ऑल द फिल्म्स. एंड शोले इज आइकॉनिक and that song is iconic, that's why wo har jagah wahi play hota hai jab aisi situation hoti hai to sabko ghoom phir ke wahi gana yaad aata hai. So I wish him a very happy birthday first of all, and thank you for entertaining us, and god bless, hope you have many good years ahead. To dharam ji ke birthday pe un like shole ki baat ki aapne, to unka ek famous dialogue bhi hai, nazande kutton ke aage mat nasna, aur wo tanki wala scene pata hai aapko, mausi ji wala? Ha matlab by heart nahi pata, but that's iconic scenes. Yeah. you can't forget them, but I remember, you know, the visuals kaise ladke hue aur ye sab. Yeah, so he's great. Yeah, to yahan pe dharam ji ki baat ho gayi, and ab hamare Bollywood ke sabse bade pehle superstar hamare kya naam hai, sorry, kinka, dilip kumar ji actually unka yusuf naam hai, main yusuf unka naam actually dilip, sorry, दिलीप जी का उनका बर्थडे लग, तो आप उनको किस तरीके से विश कर रहे हैं? वेल दिलीप साहब, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, एंड यू वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टार्स. इनफैक्ट मैंने एक शो किया था जब लव हुआ, और उनकी मूवी, मैं गांव वाला था उसमें, और उनकी एक मूवी से इंस्पिरेशन ली थी. मैं उनकी मूवी देखता था, क्योंकि वो उस तरह का हुर है हाँ वो सब करने के लिए मुझे इट रियली हेल्प्ड, यू नो, ही डज एवरीथिंग सो कन्विंसिंगली, व्हाटएवर रोल ही प्लेज. तो Happy birthday, sir, and God bless.